हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ बबीता विश्वकर्मा। आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज जो है, मैं शाम से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज है फ्राइडे और डेट है 26। हाँ, 26 आज डेट है और फ्राइडे का दिन है। तो यहाँ से मैंने वीडियो शुरू कर दिया शाम से और अभी बज रहे हैं 6:15 बज रहा है अभी। तो अभी मैंने जस्ट गैस पे जो है चाय रखी है और एक तरफ दूध रखा है, बर्तन वगैरह मैंने धुल लिया है। अब डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बट अभी हमें कहीं बाहर जाना है एक हफ्ते के लिए, तो उसकी भी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ। अभी पैकिंग वगैरह बहुत बाकी है रखना, तो अभी हम लोग रखेंगे, पैकिंग करेंगे और हमें जो है निकलना है एक दो दिन के अंदर। तो इसके लिए तो बहुत सारी तैयारियां हैं और आज मुझे हाथों में मेहंदी भी लगानी है। तो देखते हैं डिनर बनाने के बाद। और अभी जस्ट मैं आईब्रो बनवा के आई स्कूल से, तो आज मैं बहुत जल्दी निकल गई थी। बट बाहर के बहुत सारे मेरे काम थे जो मैं करके फिर मैं आई हूँ। अब भी आई हूँ 6 बजे और आते ही घर के कामों में लग गई हूँ, तो आराम बिल्कुल भी नहीं मिला एकदम से। तो ये सारी चीज़ें हैं और पैकिंग में हम कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में हम शेयर करेंगे कि हम क्यों जा रहे हैं इतने अर्जेंट, हम कहाँ क्यों जा रहे हैं। किसी काम के लिए ही जा रहे हैं, बट वो काम पूरा होता है तो आपको पक्का मैं बताऊंगी। तो मैं भी बता देती हूँ, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड जाने वाले, बाकी कोई नहीं। तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। और अभी आप फेस पे भी देख सकते हो, मैंने आज सुबह फेस पैक लगा था, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, अच्छा था, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो फेशियल की भी ज़रूरत नहीं है, ब्लीच की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा निखार आ गया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ डिनर के समय। और आज हम लोग के यहाँ फिश बनने वाला है, राइस बनेगा, रोटी बनेगी, ये सारी। और कुछ मेहमान भी हमारे घर आने वाले हैं शाम को, मतलब रात में, तो उनका भी डिनर हमें ही बनाना है। तो अभी फटाफट कर लेते हैं और बहुत सारे काम है, मेहंदी लगाना, पैकिंग करनी है, सारी चीज़ें बाकी है, तो वो भी करते रहेंगे। और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। और आप लोगों को सरप्राइज़ है इसमें कि हम कहाँ जा रहे हैं, इस वीडियो में मैं बता दूंगी सरप्राइज़ आप लोगों को। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ा टाइम बाद। तो हमारा डिनर हो चुका, मैं डायरेक्ट आप लोगों को रात में डिनर के समय मिलती हूँ। और फिश बना था और राइस बना था, रोटी, तो ये सारी चीज़ें। और हाथ में मेरी मेहंदी लग गई है, आप देख सकते हो। और ये फिर से मुझे आफरीन ने ही लगाया है और बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती है। अभी तो इसका कलर इतना नहीं आया है, मैंने सिर्फ इसको 1 ही घंटा रखा है और मैंने हाथ धो लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो इसके वजह से। तो अभी भी डिनर सब लोग कर ही रहे हैं, मेरा हो गया फटाफट, मैं खा ली। अब ये आप देख सकते हो किचन की हालत, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है किचन एकदम, अभी पूरा चूल्हा वगैरह अभी धोऊंगी पूरा और उसके बाद सोऊंगी। देखते थोड़ा सा पैकिंग बाकी है, वो भी कर लेंगे हम लोग। बहुत अच्छा लगा, मच्छी बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। और फिश जो है मेरे सासू माँ ने बनाया था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था और हमने बहुत अच्छे से खा लिया। अभी चल रहा है डिनर, मम्मी और ये कर रहे हैं। तो चलिए फिर आप लोगों को मैं डायरेक्ट पैकिंग कर दूँ, तब आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे पे मिल रही हूँ। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 और घर के सारे काम हो चुके हैं, पूजा पाठ भी हो गया है, नाश्ता भी हो गया है, बस मुझे रेडी होना है, स्कूल जाना है। तो स्कूल जाने के लिए भी काफ़ी टाइम है, तो मैं सोची कुछ अपने काम कर लूँ जो मुझे जाना है हमें बाहर घूमने के लिए। घूमने के लिए बोलिए या किसी काम से हम जा रहे हैं, तो उसकी पैकिंग वगैरह भी काफ़ी बाकी है, तो वो भी करनी है हमें। तो करनी है तो इसके लिए अभी हमने रात में कुछ नहीं किया क्योंकि जो मेहमान आए थे ना वो बहुत ही लेट गए, तो उसके बाद हमें डिनर करने में और फिर सोने में हमें 1 बज गया था। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, मेहमान आते होंगे तो काफ़ी लेट हो जाता है, तो ऐसा हो गया। तो फिर हम लोग पैकिंग नहीं किए हैं, बट अब भी हमें करना है और क्योंकि हमें 1-2 दिन में निकलना है, तो इसके लिए पैकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी मेहंदी का कलर आप देख सकते हो, कितना प्यारा कलर आया है ना, अच्छी लगी कि नहीं आप लोगों को मेहंदी प्लीज़ बताइएगा। बहुत ही प्यारा कलर आया है और मैंने सिर्फ 1 घंटा इसे रखा था, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है।
तो नाश्ता हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, और थोड़े रेडी होना हो ही जाऊंगी अभी, पर अभी मुझे कुछ बैंगल्स वगैरह वो करने हैं जो मुझे लेके जाने हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ पे जाऊंगी कि तो तीज का उपवास रहेगा मेरा, तो तीज के दिन तो मुझे रेडी होना ही है। तो इसके लिए चूड़ी का भी सेट लगाना है मुझे, तो अभी मैं चूड़ी का सेट लगाऊंगी, और जो मेरे पर्स में मुझे लेके जाना है वो सारी चीज़ें रखूंगी, मेकअप के सामान वगैरह जो हर लेडीज़ करती है तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर पैकिंग देखते हैं, स्कूल से आने के बाद होगी कि क्या है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तो हम जो मैं जो हूँ स्कूल से आ गई थी कब की, और अभी हमारी जस्ट पैकिंग हो चुकी है, और अभी यहाँ पे मैं अपना पर्स जो है रेडी की हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे लेके जानी है वो सारी चीज़ें, तो पर्स भी रेडी हो गया है सब कुछ। अभी सफ़र के लिए खाना बनाना है, तो अभी फटाफट खाना बनाएंगे। दो चीज़ बन गई, बस एक चीज़ बनाना बाकी है, तो अभी बना लेंगे। और टाइमिंग अभी शाम के 5 बज रहे, हमारी ट्रेन जो है रात को है। और आई होप आप लोगों को, मुझे लगता है ऐसा, कि ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी वीडियो के एंड तक। तो प्लीज़ बने रहिएगा, और ये सब वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बहुत लेट मिलेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो मैं वो शेयर करूँगी, उसके बाद ये सारी वीडियो शेयर करूँगी। तो पहले वाली वीडियो शेयर कर दूँगी आपको, और अभी वाली वीडियो जो आप लोगों को बाद में देखेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ कुछ सवाल ही, इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही है। और तो चलिए फिर फटाफट सफ़र के लिए खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है डिनर बन रहा है, मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ सफ़र के लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने करेले की कलौची, पूड़ी और गाठी, ये सब मैंने बनाया था लेके जाने के लिए सफ़र के लिए। और हमने फिर फटाफट खाना बनाया, और खा पी के हम जो है रात को निकल गए थे, क्योंकि हमारी रात को ही ट्रेन थी, और तो इसके लिए मैं रात में निकलना पड़ा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुंबई में बारिश नहीं हो रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम था, और ट्रैफिक बहुत थी जैसे हमने सोचा था, पर वैसे कुछ नहीं था। और हमारे सब कौन कौन जा रहे हैं, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो, आगे आप लोगों को देखने मिल जाएगा, और मेरे साथ कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए हम आगे स्टेशन, ये है कुर्ला स्टेशन, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, और हम यहीं से ही जाते समय गाड़ियाँ वगैरह जो है हम ले पकड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था घर से जब निकले, और यहाँ पे जब हम बैठ गए ट्रेन में, और ट्रेन भी आ गई थी बराबर टाइम पे, और हम बैठ गए, सामने भी एक ट्रेन लगी थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, आप देख सकते हो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हस्बैंड जी जो सबसे बातें कर रहे हैं, तो हम लोग किसी काम से फ्रेंड जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो हम लोग 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। तो हमने बैग वगैरह जो, हमने 2 बैग लिए थे, और एक में खाना लिया था, तो इस तरीके से हम। और यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा समय मिल गया, तो हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह किया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है, अभी तो ट्रेन की टाइम नहीं हुई थी जाने की, मतलब छूटने की, तो इसके लिए हमने थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किए, थोड़े मस्ती किए, थोड़ा इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस बनाए, तो ये सारी चीज़ें हमने की, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे स्टेशन पे, और जल्दी पहुँचना भी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेन की टाइमिंग थी वो थी रात की शायद से 10:55 की गाड़ी थी हमारी फ्रेंड, और आप देख सकते हो यहाँ पे हम निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, और कुर्ला स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का फ्रेंड, आप देख सकते हो, क्योंकि रात में जो है ट्रेन से बाहर कुछ नहीं दिखता, अंधेरा अंधेरा दिखता है, बट ये मॉर्निंग का समय है, जो इतनी हरियाली इतनी अच्छी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, देख के नज़र हट नहीं रही थी। और यहाँ पे मैं जो अभी ही सो के उठी हूँ, और मैंने सोचा सूर्य भगवान के दर्शन कर लूँ, और उसके बाद आप लोगों को अच्छा अच्छा नज़ारा शेयर करूँ। आगे मेरे सब वीडियो में आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने मिलेंगे। और हाँ जी हाँ, मैं बता देती हूँ, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हम जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो आगे वीडियो में आप लोगों को देखने मिल जाएगा।
हम लोग वाराणसी पहुंच गए, आप देख सकते हो पीछे का नज़ारा। और अभी टाइमिंग बज रहे रात के दो बज रहे ना, तो अभी दो बज रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक दो घंटा रुकेंगे, दो घंटा तो मिनिमम रुकेंगे, फिर चार बजे के आसपास कुछ चार या पाँच बजे निकलेंगे, क्योंकि अभी बस वगैरह लगी नहीं है, तो लगेगी तब निकलेंगे। और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, और आप लोगों को मैंने सरप्राइज बता दिया है कि मैं मुंबई से वाराणसी आई हूँ किसी काम से, अपने गांव आई हूँ। तो आगे का जो वीडियो आप लोगों को देखने मिल जाएगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं करूँगी मैं। और आप लोगों के लिए यही बड़ा सरप्राइज़ था कि मैं अचानक क्यों गाँव आई, ये सारे जवाब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिर वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।